गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माई क्लास टीचर एडुकेशन अकेडमी। इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर माइक्रो लेसन प्लान ऑफ सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पे हम लोग माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे, डेट आज की डेट डालेंगे 8/5/2024। सब्जेक्ट बायोलॉजी, टॉपिक मैं बताऊँगा कब लिखना है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड, ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है, इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है एग्जांपल्स आर रिलेवेंट, दूसरा है एग्जांपल्स आर सिंपल, थर्ड है एग्जांपल्स आर इंटरेस्टिंग, फोर्थ है यूज ऑफ इंडक्टिव अप्रोच, फिफ्थ है यूज ऑफ डिडक्टिव अप्रोच, और लास्ट है आस्किंग सेम टाइप ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। इस स्किल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप क्लास में गुड मॉर्निंग कहिएगा, कहिएगा स्टूडेंट को, फिर एक स्टेटमेंट ऑफ एम दीजिएगा कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स। अब जैसे ही मैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स कहूँगा तो जो टॉप पर जो है टॉपिक छोड़ रखा था वहाँ हम टॉपिक लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पर, और टॉपिक को अंडरलाइन कर दीजिएगा क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइंड होता है। पहले समझ लेते हैं इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स होता क्या है। बेसिकली ये स्किल में जो हम लोग एग्जांपल का यूज़ करते हुए स्टूडेंट को समझाने की कोशिश करते हैं, इसमें हम लोग डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स देते हैं और उसके थ्रू जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है जिससे उसकी लर्निंग और इन्हांस हो जाती है। अभी आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल बनाएंगे। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन टेबल बनानी है। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल्स रिस्पॉन्स, और लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके सिर्फ हम लोग नंबर लिखेंगे। तो इसमें क्या करना है, पहला एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा हमारा, हु प्रोवाइड अस विद नेचुरल ऑक्सीजन। अब पीपल से रिस्पांस क्या आएगा, प्लांट्स प्रोवाइड अस विद नेचुरल ऑक्सीजन। कंपोनेंट्स 1 और 2, 1 है एग्जांपल्स आर रेलेवेंट। अब देखिए यहाँ मैंने नेचुरल ऑक्सीजन, मैंने एग्जांपल जो लिया नेचुरल ऑक्सीजन, मैंने एग्जांपल लिया है ये कौन हमें नेचुरल ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स क्या, प्लांट्स प्रोवाइड अस विद नेचुरल ऑक्सीजन, सिंपल क्वेश्चन था। तो पहला कंपोनेंट क्या था, एग्जांपल्स आर रेलेवेंट, तो पहला जो है एग्जांपल जो हमने दिया वो रेलेवेंट होना चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो हमारा टॉपिक क्या था, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो रेलेवेंट है, एब्सर्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब दूसरा कंपोनेंट देखते हैं, दूसरा एग्जांपल्स आर सिंपल। अब देखिए कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, हु प्रोवाइड अस विद नेचुरल ऑक्सीजन, तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स आ गया प्लांट्स प्रोवाइड अस विद नेचुरल ऑक्सीजन। के इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना पुट अप करिएगा कि स्टूडेंट उसमें जो है फंस जाए और डिफिकल्टी होने लगे, तो फिर हमारी दूसरी स्किल इस्तेमाल होती है इसके अंदर, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कभी और। तो 1 और 2 कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करिएगा, व्हाई डज अ प्लांट यूज सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, द प्लांट्स यूज सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। कंपोनेंट नंबर 3 है एग्जांपल्स आर इंटरेस्टिंग। अब देखिए यहाँ मैंने एग्जांपल दिया, तीन एग्जांपल दिए, सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। व्हाई डज अ प्लांट यूज सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था कि स्टूडेंट सोचेगा भाई ये तीन चीज़ें कहाँ इस्तेमाल होती हैं। ये स्टूडेंट जो है पढ़ के आए होंगे अपने क्लास में, जो है इससे पहले वाले क्लासेस में जो है उन्हीं ने इसके बारे में पढ़ा होगा कि सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने में टू प्रिपेयर देयर फूड। तो यहाँ क्या था, एग्जांपल्स आर इंटरेस्टिंग, तो ऐसे एग्जांपल पुट अप करेंगे जिसमें स्टूडेंट का इंटरेस्ट आए ताकि उसका अटेंशन आपके पढ़ाने पर हो। तो स्टूडेंट का अटेंशन क्रिएट करने के लिए हम लोग इस तरह के एग्जांपल्स का यूज़ करते हैं। अब आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, प्लांट्स यूज सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड इन ड्यू प्रोसेस रिलीज ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। अब इस टाइम पर स्टूडेंट्स लिसनिंग केयरफुली, जब आप एक्सप्लेन करेंगे, पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा तो स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे होंगे, बातें नहीं करेंगे बस। में कंपोनेंट नंबर 4, फोर्थ है क्या, यूज ऑफ इंडक्टिव अप्रोच। अब इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है समझ लीजिए, कि जब हम लोग जो है एग्जाम्पल पहले लेते हैं और फिर कॉन्सेप्ट हम लोग समझाते हैं, यानी हम लोग सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं। साइंस में हम लोग यही करते हैं कि पहले छोटे छोटे हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं और फिर उसके ज़रिए हम लोग एक कॉम्प्लेक्स जो है, यानी कोई भी कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स है, उसको समझाने में आसानी हो जाती है। देखिए मैंने क्या किया,
यहाँ छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए, प्लांट्स यूज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रिपेयर दे फूड एंड इन द प्रोसेस एंड इन ड्यू प्रोसेस रिलीज ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो मैंने पहले फोटोसिंथेसिस नहीं बताया, मैंने एग्जाम्पल दिया। देखिए यहाँ पर भी वही पहला एग्जाम्पल, फिर यहाँ पर मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिए, फिर मैं एक कॉन्सेप्ट तक पहुँचा फोटोसिंथेसिस। तो यही होता है इंडक्टिव अप्रोच, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी एग्जाम्पल के बाद हम लोग एक प्रिंसिपल तक पहुँचे या कॉन्सेप्ट तक पहुँचे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करिए, नेम द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइडर। अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स करेगा, प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइडर, कंपोनेंट नंबर 6। 6 है आस्किंग सेम टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब देखिए जो भी आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं उसी से रिलेटेड जो है आप इस स्टूडेंट से भी एग्जाम्पल पूछिए। जैसे मैंने ऊपर जितने 1 और 2 क्वेश्चंस मैंने जो पुट अप करिए एग्जाम्पल्स उसमें मैंने दिए थे, और फिर जब मैंने एक्सप्लेन किया उसके बाद उसी से रिलेटेड मैंने जो है स्टूडेंट से पूछ लिया, नेम द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइडर, कौन अल्टीमेट सोर्स। तो इन उदाहरणों को देखते हुए, इन एग्जाम्पल्स को देखते हुए स्टूडेंट आसानी से आंसर देगा, प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड प्रोवाइडर। और यही है हमारा नंबर 6 कंपोनेंट। पुट अप करिएगा, व्हाट विल हैपन इफ वी कट डाउन ऑल प्लांट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट जो सोचेगा कि व्हाट विल हैपन इफ यू कट डाउन ऑल प्लांट, तो क्या क्वेश्चन याद रखिएगा, जो भी आप पुट अप करेंगे सिंपल होना चाहिए। क्या रिस्पॉन्स आएगा, वी विल नॉट गेट ऑक्सीजन एंड फूड इफ वी कट डाउन ऑल प्लांट्स, कंपोनेंट नंबर 3। 3 क्या है, एग्जाम्पल्स आर इंटरेस्टिंग। अब देखिए कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ऊपर हमने जो है जो भी क्वेश्चन पूछे हैं उसी से रिलेटेड मैंने ये भी क्वेश्चन बनाया हुआ है, व्हाट विल हैपन इफ यू कट डाउन ऑल प्लांट्स। तो वे विल नॉट गेट ऑक्सीजन, जो पहले क्वेश्चन में ऑक्सीजन मैंने पूछ रखा था, तो स्टूडेंट ने उसी से निकाल लिया आंसर अपना, वे विल नॉट गेट ऑक्सीजन एंड फूड इफ वी कट डाउन ऑल प्लांट्स। दूसरे क्वेश्चन में मैंने यही पूछा था कि वही फूड जो मैंने कहा कि कौन यूज़ करता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो प्लांट यूज़ करते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। तो ये दोनों आंसर जो है मेरे ऊपर ही क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन पर ही बेस्ड थे, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था कि व्हाट विल हैपन इफ यू कट डाउन आवर प्लांट्स, तो नंबर 3 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करिए, व्हाट इज़ डीफॉरेस्टेशन। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन था तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, तो यहाँ पे पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा, रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स फ्रॉम फॉरेस्ट फॉर द ह्यूमन एक्टिविटीज, एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन्स, डैम्स एंड इंडस्ट्रीज। अब स्टूडेंट इस टाइम पर जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, स्टूडेंट लिसनिंग केयरफुली, कंपोनेंट नंबर 5 है का यूज ऑफ डिडक्टिव अप्रोच। अब देखिए जब सेकंड क्वेश्चन के बाद मैंने एक्सप्लेनिंग किया था तो यहाँ पर इंडक्टिव अप्रोच यूज हुआ था, डिडक्टिव अप्रोच इसका ठीक अपोजिट होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट दे देंगे या पहले हम प्रिंसिपल को ही दे देंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल देते हैं। तो हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चलते हैं, या हम कहें पहले हम प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट बताते हैं फिर हम एग्जाम्पल देते हैं। तो ये इंडक्टिव अप्रोच का एकदम उल्टा होता है, डिडक्टिव अप्रोच, और इसका यूज़ आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा करते हैं, जहाँ पर हम पहले एक फार्मूला दे देते हैं और उसके बाद हम उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं देते हैं स्टूडेंट को समझाने के लिए, और फिर कुछ हम और क्वेश्चंस देते हैं स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं। तो पहले फार्मूला फिर उसके बाद क्वेश्चंस, यही होता है डिडक्टिव अप्रोच। तो यहाँ पर नंबर 5 कंपोनेंट भी यूज़ हो गया। तो इस तरह से हम लोग इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स हम लोग समझाते हैं स्टूडेंट को, जहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। तो अब इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल रह गई है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको एक तरह की टेबल बना के छोड़ देनी है इस तरह से, इसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स और रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5, 4, 3, 2, 1। कंपोनेंट्स जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए तो वो SH लिख दीजिएगा, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपके सुपरवाइजर मार्किंग देंगे, किसी कंपोनेंट पे अगर 5 देते हैं तो उसका मतलब होता है वेरी गुड, अगर किसी कंपोनेंट पे 4 को राउंड ऑफ करते हैं तो गुड, किसी पर 3 को करते हैं तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी कहीं पर 2 को वो करते हैं किसी कंपोनेंट को राउंड ऑफ तो वो होता है नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 को वो राउंड ऑफ कर रहे हैं किसी कंपोनेंट पर तो उसका मतलब होता है पुअर। और फिर सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इसके लिए थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिएगा, सुपरवाइज़र यहाँ पे कुछ सजेशन देंगे आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, जो भी कमियाँ होंगी इसको दूर करेंगे, और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करते हैं, माइक्रो लेसन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू।